कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था वो डिप्रेशन ये था कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, जो जीता जिताया वर्ल्ड कप था जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है, ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए। रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, आज भी 57 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 39 बॉल्स पे, जिसमें दो छक्के और छह चौके शामिल हैं। जी भाई, रोहित शर्मा तो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा गए हैं। नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और ये इनिंग्स मैं इसलिए कहूँगा कि जी बहुत सेंसिबल थी, कि जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशन थी ना, उस पर बहुत सेंसिबल इनिंग्स इसने खेली है। चलते फिरते देखता हूँ, मैंने नजरें जमा के मैच देखा और मेरे दिल में बस ये था कि देखो यार, अगर अनोनी होगी किसी की सुप्रीम नॉक एक्स्ट्रा पावर तो फिर तो कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर इंडिया ने 150 कर दिया इस विकेट पे तो इनके माइका लाल क्रिकेटिंग टर्म्स में ये मैच नहीं जीत सकता, 103 भी नहीं बना इनसे। इंडिया ने आज इंग्लैंड को जूते और ठुड्डे मार के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है। इंडिया अपना बदला जो है वो जारी रखे हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया और आज इंग्लैंड से। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आउट होने के बाद मैंने भी सपोर्ट किया इंडिया को। ऐसा हुआ कि आईसीसी की बद इंतजामी की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से इत्तेफाकन या जानबूझकर इंडिया को फायदा हुआ कुछ चीजों का? फायदा इन विच सेंस के एक ही जगह मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क, एक बात ये कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से ज्यादा सहूलत थी। नहीं, आज रोहित ने बोला है कि ट्रैवलिंग ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई हो सभी भारतीयों को, जितने भी भारत के क्रिकेट प्रेमी हो। बस जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने खेला है, वैसे ही एक और परफॉर्मेंस हमें देना है और बस फिर 13 साल बाद इंतजार खत्म होगा। सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, यही खेल खेल के बाहर हो रहे थे, फिर फाइनल में पहुंच चुके हैं। बुरा मत मानना आप लोग, मैं रियलिटी बताता चलता हूँ, हमें ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम टेस्ट के फाइनल में भी पहुंचे थे, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी। इस बार हमें काम एंड कंपोज रह के 13 साल बाद ये सपना पूरा करना है, टीम इंडिया को कप लेके आना है। बहुत हो गया, बहुत इंतजार हो गया। बहुत जबरदस्त खेले इस मैच में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, टीम की तरह एक बार इस बार पूरी इंडिया खेल रहा है। ये जो देख के मुझे मजा आ रहा है ना कि वन मैन शो नहीं है, कि रोहित ही मारे जा रहा है, विराट ही मारे जा रहा है, एक प्लेयर बुमराह ही विकेट ले रहा है बस, शमी ही विकेट ले रहा है बस, नहीं पूरी टीम खेल ली, ये मजा आता है देखने। विराट नहीं चला तो रोहित, रोहित नहीं चला तो सूर्य, सूर्य नहीं चला तो हार्दिक, हार्दिक नहीं चला तो जडेजा, जडेजा नहीं चला तो अक्षर। जब ये वाला सीन हो जाता है ना, तब टीम डेडली हो जाती है। सिराज अर्शदीप विकेट नहीं ले रहा तो बुमराह, बुमराह नहीं ले रहा तो अक्षर, अक्षर नहीं ले रहा है तो कुलदीप, ये सही चीज है। तो इस बार भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि वर्ल्ड कप भारत में ही आए, और बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को कि हम फाइनल में अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं और उनको भी हराएंगे। अच्छा, और अब इंडिया ने जो अपनी रिवेंज कैंपेन जारी रखी है ना भाई, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धक्के मार के हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। अब इन्होंने इंग्लैंड को, जिन्होंने 2021 में इनको 10 विकेटों से हराया है, उनको भी इन्होंने, अब इन्होंने बाहर कर दिया। यानी कि इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को, हराई जा रहा, हराई जा रहा। और आज इंग्लैंड, इंडिया ने इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हरा के अब इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि भाई इंडिया, इंडिया ने यार बड़ी स्ट्रगल किया पिछले टूर्नामेंट में, फाइनल सेमीफाइनल में जाके ना बाहर हो गई थी टीम, और 2021 में चले ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, लेकिन उसका भी उनको बड़ा दुख था। और जो ओडीआई वर्ल्ड कप में इनके साथ इतना बुरा हुआ है, फाइनल में हार के 10/10 की स्ट्रीक लगा के फाइनल में हार के बाहर हो गई, आज उन्होंने वो स्ट्रीक T20 वर्ल्ड कप में 7/7 के फाइनल में। और मुझे लगता है इस बार जिस इंडिया जो आग में है ना, इंडिया ने पक्का पक्का फाइनल जीतना चाहिए। तो ये तो रोहित शर्मा की बात हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी, और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है, ये जिस तरह की पिच हो रही है, ये जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, तो ये 50% गेम है ना टॉस पे आ गया, कि अगर आप अगर मैच जो लोग देख रहे हैं तो, कि आप बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया, सेकेंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है, कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज़ है। एटलीस्ट विकेट प्रॉपर होनी चाहिए थी, जिस तरह सुबह का भी हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान 57 रन पे आउट हो गई जी। तो ठीक है कि जी साउथ अफ्रीका का क्रेडिट अपनी जगह पे है जी। लेकिन उसमें विकेट का भी कुछ हाथ था,
तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी पिचेस इस तरह की बननी चाहिए कि जी जहाँ स्कोर ही ना हो सके, आप है ना स्ट्रोक ना खेल सके। हम यहाँ लोग देखने आ रहे हैं वो ये चीज़ नहीं देखने आ रहे कि जी आप 50 पे टीम आउट हो गई या बॉल इतना नीचे रह रहा है, सारी चीज़ें हम कुछ फन के लिए देखने आ रहे हैं क्योंकि जी विकेट अच्छी हो ताकि दोनों को प्रॉपर मौका मिले जी। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है विकेट के हवाले से। मैंने नजरें जमा के मैच देखा और मेरे दिल में बस ये था कि देखो यार अगर अनोनी होगी किसी की सुप्रीम नॉक एक्स्ट्रा पावर तो फिर तो कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर इंडिया ने 150 कर दिया इस विकेट पे तो इनके माइकल लाल क्रिकेटिंग टर्म्स में ये मैच नहीं जीत सकता। भले 103 भी नहीं बना इनसे, भले वो घंटे के किंग का लालो अच्छा पूरा देखो 10 विकेटों की हार, वो भुवनेश्वर कुमार अब जो दिया अक्षर पटेल ने घुमा के, ये तो आखिर में पांड्या अगर चैरिटी के रन ना देता तो इनके 100 भी ना होते। मैं सच बात बता बोला था ना, शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा, भी ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। और भाईजान नसीब है, इतना नसीब चला विराट कोहली का, ये बात बाद में रह जाएगी। जो छक्का उसने टॉपली को मारा था इस विकेट में, सेंट लूसिया वाला बाउंस नहीं था, वो ऊपर से मार गया अगला। वरना मैं आपको बता दूं, सूनर देन लेटर विराट कोहली को एक और बात है यार, वो जो क्रिकेट के अलावा है शायद ये ओपनिंग पोजीशन सूट नहीं कर रही, वो हमेशा इंडिया के लिए 3 पे आता है। बहरहाल बड़े मैच में एडम गिलक्रिस्ट बन सकता है वो। हम सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद पता लगा कि टीम इंडिया को हराना तो दूर की बात है, इनका मुकाबला करना भी किसी टीम के बस में नहीं है। वो लोग, वो क्रिकेट एनालिस्ट जो समझ रहे थे कि टीम इंडिया को जस्ट एक वॉक ओवर मिल रहा है, सेमीफाइनल जानबूझ के वहां पे रखा, उनको पता चल गया कि आपने अच्छी तरह से लड़ा के देख लिया, पूरे ओवर भी करा के देख लिए, मगर इंग्लैंड कहीं भी उनके बराबर में खड़ा नहीं हुआ। वो लोग जो समझ रहे थे कि इंडिया सिर्फ एशिया की टीमों के साथ खेल रहा है, अभी असल मुकाबला तो होना बाकी है, उन्होंने देख लिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड कोई उनके बराबर में खड़ा नहीं हो पा रहा है, सबको हराया। अब सिर्फ एक मैच रह गया है, जो टीम इंडिया की ताकत को अगर आजमाना है तो सिर्फ एक मैच रह गया है, और मुख्तलिफ हरीफ इस बीच में गुजरे हैं। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि टीम इंडिया कहाँ खड़ा है और बाकी टीम कहाँ खड़ी है, उनके लिए ये है कि आप बैटिंग कंपैरिजन करके देख लीजिए। रोहित शर्मा है वो इंग्लैंड के बड़े बड़े जो जिसे हम कहते हैं पावर हिटर्स, उनके साथ मुकाबला हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े पावर हिटर्स के साथ मुकाबला हो गया, पाकिस्तानी किंग भी साथ में निपट गए, मगर उनके सामने सब हल्के लगे। आप बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें, मिचेल स्टार्क भी हुए, आर्चर भी गुजर गए, शहीन भी गुजर गए, मगर बुमराह सबसे डिफरेंट नजर आए। आप स्पिन अटैक देख लें, राशिद खान भी गुजर गए, आदिल राशिद भी गुजर गए, मगर कुलदीप और अक्षर पटेल सबसे डिफरेंट नजर आए। साफ है कि एक एक चीज को तोल के देखें, वजनी पलड़ा जो है वो टीम इंडिया का नजर आ रहा है, इसलिए टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटेबल है। और जो मुझे इनकी उड़ान लग रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी जनूबी अफ्रीका उनको पकड़ सकता है। मेरी जाती राय यह है कि इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका की निस्बत ज्यादा टफ थी, और जैसा उनको एडवांटेज मिला, जो कि हम सब सोच रहे थे कि इस पिच के ऊपर जिसको टॉस जो जीत गया उसको एडवांटेज मिल गया, और आप ये नहीं कह सकते कि बटलर हैं वो भी पिच को रीड नहीं कर पा रहे, या बटलर घबराहट का शिकार हैं, जो हम अक्सर राशिद खान के बारे में हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि घबराहट में आकर उन्होंने ये फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो चेस करने में भी पसंद है, वो ऊपर खेलने में पसंद है, और हमने जाके उनकी सीरीज देखी थी, वो हमारे खिलाफ किस तरह खेलते थे। तो कुल मिला के दोस्तों, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, ये सिंपल एक डिसीजन हो चुका हुआ इस वर्ल्ड कप को देख के। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया को खेला था तो वहां पे तो साफ था, जो टीम टॉस जीत रही थी 70% मैच पे कब्जा कर लेती थी, वहां पे भी उस दिन बारिश हुई थी, हमने टॉस जीता फिर हम हारे। आज के मैच में भी सब ये कह रहे थे जो टॉस जीतेगा मैच पे कब्जा काफी हद तक रहेगा, मगर इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी यूं पूरे के पूरे मैच में छाया रहा, कोई एक 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 मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो के कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि टीम इंडिया दरअसल एक मजबूत टीम बन चुकी है, और जो ना ही तो कंडीशन के मोहताज है, ना ही पिच के मोहताज है, ना ही टॉस के मोहताज है, सबसे खास बात यह है। और जो स्ट्रेटजी के साथ देखें, जब टीम जीत रही होती है उसमें नजर आ रहा होता है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, आप देखिए जो ऊपर से गलती होती है नीचे वाले संभाला दे देते हैं, बैट्समैन से गलती होती है तो बॉलर संभाला दे देते हैं, बॉलर्स में फास्ट बॉलर से हो तो स्पिनर पकड़ लेते हैं, स्पिनर से गलती हो तो फास्ट बॉलर पकड़ लेते हैं, इन सब में गलती हो तो फील्डर अच्छा काम कर देते हैं। कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है, और जिसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए वो शक्ल टीम इंडिया की बन चुकी है, और ऐसे में अगर उनके साथ 19-20 फाइनल में हो जाता है तो ये शायद हार लक होगी, अनलक होगी उनकी, बट डिजर्व टोटली और ट्रूली अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है वो टीम इंडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जो भी अफ्रीका भी अच्छा खेल रहा है इसमें कोई शक नहीं है, मगर सेमीफाइनल आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो, सेमीफाइनल आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो, दोनों का सफर डिफरेंट है दोस्तों। जो मजबूत टीम को हरा के आ रहा है उसका पलड़ा, उसका कद थोड़ा ऊंचा होता है, मुझे ज्यादा तौर पर यह लगता है। और फिर नेपाल के खिलाफ थोड़ा फंसा था जनूबी अफ्रीका, इंडिया फंसा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। आप उनका पूरे का पूरा एक चार्ट उठा के देख लीजिए, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर, सारे मैच क्लीन उन्होंने जीते हैं, स्वाइक पाकिस्तान वाला है वो जो 5-6 रन से जीता था, जो हम कहते हैं कि एक
बाउंड्री अवे था, बट वो भी आप देखिए 92% पाकिस्तान फेवरेट था उस मैच के अंदर, सीधा सीधा हम जीत रहे थे। तो उनके बॉलर्स लेके आए, हम अपने बैट्समैनों को तो बुरा भला बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं खेले, बट देखिए उनके बॉलर्स ने कमाल किया, और वो बॉलर्स ने कमाल सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, वो हर जगह पे हमें नजर आ रहे हैं।